मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने शनिवार को ऐशबाग रेलवे फाटक का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने 10 करोड़ की लागत से बनने वाले फुट ओवर ब्रिज की घोषणा की। मध्य प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग DRM, SDM और रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ऐशबाग फाटक पहुंचे, जहां उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात की। साथ ही पैदल यात्रियों की समस्या को देखते हुए फुट ओवर ब्रिज बनाने की घोषणा की। करीब 10 करोड़ की लागत से FOB बनने पर रेलवे फाटक बंद होने के बाद भी पैदल यात्री आवाजाही कर सकेंगे। ऐशबाग का जो रेलवे फाटक है उसके बंद होने से लोगों को बहुत आवाजाही में दिक्कत थी। हमने ROB सेंक्शन करा दिया, उसका काम होना शुरू हो गया है। ऐशबाग फाटक पर ROB हम बनवा रहे हैं, पर उसके साथ यहाँ के रहवासियों को जो पैदल है, पेडिस्ट्रंस है, उनको बहुत दिक्कत आती थी। आज हमने DRM भोपाल के साथ स्थल का निरीक्षण किया है और ये निश्चित किया है कि हम एक फुट ओवर ब्रिज भी ऐशबाग फाटक पर बनवाएंगे, जिसमें कि जो पैदल जो हमारे लोगों की भी आवाजाही हो सके, गाड़ियों का आवागमन और ट्रांसपोर्टेशन ROB के माध्यम से होगा और जो पैदल चलने वाले हैं उनके लिए हम एक FOB बना रहे हैं और वो जल्द से जल्द यहाँ ऐशबाग फाटक पर बन जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश, इंदौर।